Assalamualaikum students, welcome to AK Coaching Center. अच्छा चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन हमारा चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज जो है हमारे पास 17.5 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किया था. क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि उसमें हमने डोमेन और रेंज दोनों निकालनी थी. ठीक है, डोमेन पुट किया था हमने, रेंज निकाली थी, रेंज पुट करके डोमेन निकाली थी. अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन उससे थोड़ा सा इजी इस सेंस में है, क्योंकि उसमें इन्होंने कहा गया है कि इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू. अभी W क्या है? W यहाँ पे हमारे पास है होल नंबर. इन्होंने कहा है कि X और Y जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर, यानी कि जो आपने पुट करना है ना वो आपने होल नंबर्स पुट करना है. अब X और Y मैं आपको बता चुका हूं कि X हमने सपोज किया था डोमेन, सही है? X को हमने डोमेन को हमने X सपोज किया था और Y को हमने रेंज सपोज किया था. ठीक है, तो इस इक्वेशन इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने X या Y के लिए सेट करवाना है और हमने डोमेन पुट करके रेंज निकाल लेनी है और रेंज पुट करके डोमेन निकालना है. तो अब करना क्या है, हमने फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज निकालनी है ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें से हमने डोमेन और रेंज निकालनी है. तो किस तरह से, अकॉर्डिंग टू बुक देखा जाए अगर, तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन सेट करवाई है वाई के लिए, सही है? आप एक्स के लिए भी करवा सकते हो लेकिन इन्होंने वाई के लिए करवाई है, तो हम अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे और वाई के लिए इक्वेशन सेट करवाएंगे. तो इन्होंने कहा कि होल नंबर पुट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डोमेन जो है वो अपने सपोज करेंगे और कोई भी होल नंबर रख लेंगे. हम ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कम रखेंगे ताकि हमारा आंसर भी उतना ही शॉर्टर है. 0, 1, 2, 3 ये चार नंबर होल नंबर मैंने सपोज कर लिया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि x एंड y रिप्रेजेंट होल नंबर, तो डोमेन मैंने सपोज कर लिया 0, 1, 2, 3. अब मुझे निकालना है रेंज, तो रेंज निकालूंगा मैं कैसे, यहां रेंज लिख के और यहां पर हम लोग खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे और जो हमारा आंसर आता रहेगा हम यहां पर पुट करते रहेंगे. अब इस इक्वेशन को मैंने y के लिए सेट करवाना है. इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. ठीक है, अब y के लिए अगर सेट करवाना है मुझे तो ये 3x यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3x. ठीक है, अब मैंने ये डोमेन सपोज किया था 0, 1, 2, 3, 4, वो बारी बारी पुट करना है और मैंने y की वैल्यूज निकालनी है. सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में पुट करूंगा x की जगह पे 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और यहां पे आ जाएगा x की जगह पे 0 आ गया. ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 0 0, तो y इज इक्वल टू 11, पहली वैल्यू मेरे पास आ गई 11. अब पुट करूंगा मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 1, पुट x इज इक्वल टू 1. अब 1 पुट करूंगा तो क्या इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, 11 माइनस 3 एक्स की जगह पे आ जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 3 क्या आएगा आंसर मेरे पास, 11 माइनस 3 8, तो y की एक और वैल्यू मेरे पास आ गई 8. अब 0 पुट कर लिया मैंने, 1 भी पुट कर लिया, अब मैं पुट करूंगा 2, तो इक्वेशन है पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करना है. इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, तो x की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6, तो 11 माइनस 6 मेरे पास क्या आएगा 5, तो y की एक और वैल्यू मेरे पास आ गई 5. ए पहली वैल्यू मेरे पास 11 एंड देन 8 और उसके बाद 5. अब लास्ट वैल्यू मैंने निकालनी है यहां पे, तो पुट करूंगा मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, अब 3 पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 3. तो यहां पे इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और x की जगह पे आ जाएगा 3, तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9, तो यहां पे आ जाएगा 11 माइनस 9 और 11 माइनस 9 क्या आता है हमें पता है 2, तो y की एक और वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2. तो इस तरह से मैंने जो है वो चार इसके y के आंसर निकाल लिए, 11, 8, 5 और 2. तो हमने खाली ब्रैकेट डाली थी वहां पुट कर दें असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 5 और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 8 और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 11. तो इस तरह से हमने रेंज डोमेन सपोज की 0, 1, 2, 3 होल नंबर कहा था उन्होंने, होल नंबर सपोज करके हमने रेंज निकाल ली चार. अच्छा अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ. पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट है. इक्वेशन हमारे पास है x, y such that x minus y equals to 6. अब पहले हमने क्या किया था, पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, हमने उसमें उसको y के लिए सेट करवाया था और डोमेन हमने सपोज किया था 0, 1, 2, 3 और हमने रेंज निकाल लिया था. अब हम क्या करेंगे, अब हम x के लिए इक्वेशन सेट करवाएंगे और y जो है हम सपोज करेंगे होल नंबर एंड देन हम लोग डोमेन निकाल लेंगे. किस तरह से, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सेट करवाना है x के लिए,
इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन है मेरे पास, सही है। अब मुझे अगर x को यहां पे अलग करना है, एलिमिनेट करना है, या x को मैंने अलग करना है, x का x की मुझे वैल्यूज चाहिए ना, तो ये माइनस का y, y जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x जो है मेरे पास अलग हो गया, 6 प्लस y लिख दो या y प्लस 6 लिख दो, एक ही बात है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन आ गया मेरे पास x इक्वल्स टू 6 प्लस y। अब मैंने ये y जो है ना, ये y मैंने खुद से सपोज करना है, और सपोज जो मैं करूंगा वो नंबर इन्होंने हमें बताए हुए, वो नंबर क्या है हमारे पास, होल नंबर। तो यहां पे रेंज सपोज करूंगा मैं, क्योंकि y मैंने कहा था रेंज है और x मैंने कहा था कि वो डोमेन है। तो रेंज क्या है मेरे पास, रेंज में सपोज करूंगा 0, 1, 2, 3, क्योंकि होल नंबर है, तो फर्स्ट फोर होल नंबर हमने सपोज कर लिए। अब हम रेंज अगर सपोज किए हमने, तो हमने डोमेन निकालना है, तो यहां पर हम लिख देते हैं डोमेन, और यहां ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किया था, यहां लिख देंगे डोमेन और यहां ब्रैकेट बना के छोड़ दिया। अब हम करेंगे पुट एक्स रेंज की जगह पे, वाई की जगह पे 0, 1 और फिर 2 और फिर 3। सबसे पहले हम पुट करेंगे वाई इजिकल्स टू 0, पुट वाई इजिकल्स टू 0, इस इक्वेशन में एक्स इजिकल्स टू 6 प्लस वाई की जगह 0, तो 6 प्लस 0 मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 6 ही आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पे 6। अच्छा, उसके बाद अब मैं वाई की वैल्यू पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल्स टू 1, अब मैं 1 पुट करूंगा, तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस y की जगह पे आ जाएगा 1, तो 6 प्लस 1 7, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पे 7। उसके बाद अब मैं पुट करूंगा y की जगह पे 2, पुट y इज इक्वल्स टू 2, तो इक्वेशन है मेरे पास से x इज इक्वल्स टू 6 प्लस y की जगह पे आ जाएगा 2, तो 6 प्लस 2 क्या होता है मेरे पास 8, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। आखिरी नंबर रह गया हमारे पास, हमने 0 पुट कर दिया, हमने 1 पुट कर दिया, हमने 2 पुट कर दिया, अब पुट करना है हमने 3, तो यहां पे पुट y इज इक्वल्स टू 3, हम 3 पुट करेंगे, सही है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस y की जगह आ जाएगा 3, तो 6 प्लस 3 मुझे पता है 9 होता है, तो x की मेरे पास यानी कि डोमेन की 4 वैल्यूज आ गई, कौन कौन से 6, 7, 8, 9, तो यहां मैं इस सेट में लिख दूंगा 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, पार्ट नंबर 8 इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे के पार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।